वंदे मातरम दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो की शुरुआत वंदे मातरम कह के शुरू कर रहा हूँ और इसके पीछे एक खास कारण है, क्योंकि मैं इंदौर शहर के एक खास शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूँ। मेरे साथ हैं आज भूपेंद्र सिंह जी डंग, जो ब्लड डोनेशन को लेकर हमेशा काफ़ी जागरूकता फैलाते हैं और सबसे खास बात इनकी है कि इन्होंने अभी तक 140 बार रक्तदान किया है, ब्लड डोनेट किया है। और जब मुझे इस बारे में पता चला तो मेरे मन में काफ़ी एक इच्छा थी कि मैं सर का इंटरव्यू लूं और आपके बारे में बाकी विद्यार्थियों को भी पता चले, क्योंकि ब्लड डोनेशन को लेकर हम काफ़ी डरते हैं। कई बार हम सोचते हैं, कई स्टूडेंट सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और स्टूडेंट्स ही नहीं, बहुत सारे लोगों के मन में उसको लेकर एक डर होता है कि अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो इससे हमें कोई दिक्कत ना आ जाए। मैंने भी कई बार ब्लड डोनेट किया है और हमारे जो भूपेंद्र जी हैं, इन्होंने 140 बार पिछले 47 ईयर से ये रेगुलरली ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे, पूरी कहानी सुनेंगे कि क्या ऐसी चीज है जो इन्हें प्रेरित करती है, क्या ब्लड डोनेट करने से कोई समस्या इन्हें आई है या कितना वो फायदेमंद रहा है, और कुछ ऐसी जीवन की घटनाएं भी सुनेंगे जो आपको भी कुछ नई चीजें प्रेरित करेगी, कुछ नया आपको जानने को मिलेगा। तो भूपेंद्र जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ विनर्स इंस्टीट्यूट में, वंदे मातरम। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपने अभी आप 73 ईयर्स के हैं जी, और पिछले 47 ईयर्स से आप रेगुलरली ब्लड डोनेट कर रहे हैं, 140 बार आप कर चुके हैं जी। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और ऐसी कौन सी चीज है जो आपको प्रेरित करती है इस काम के लिए। सबसे पहले तो क्या है कि सन 76 की बात है, सिटी में मेरा स्टूडियो था, वहीं एक बैंक थी, बैंक में एक शिविर लगा हुआ था ब्लड डोनेशन का एमबी की तरफ से, जिसके इंचार्ज हम डॉक्टर वर्मा साहब थे। मैं वहाँ फ़ोटो खींचने के लिए गया, उन्होंने मुझसे पूछा सर आज आप ब्लड देंगे, मैंने स्वाभाविक तौर से कह दिया हाँ मैं दूंगा। वो आपने पहली बार दिया था, जबकि मेरी सेहत इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत ही 45 केजी मेरा टोटल वेट था। अच्छा, उन्होंने बोला ठीक है, टेक्नीशियन से बोला कि इनको ब्लड ले लो। टेक्नीशियन ने मुझे चेक करा, बोला अनफिट। डॉक्टर साहब ने बोला कि क्या हो गया, बोले सर अनफिट 45 केजी। बोले नहीं कुछ नहीं होगा, इसको लेटा हो। वो सर जितने विश्वास से मुझे बोला मैं दूंगा, इसको कुछ नहीं होगा, बोला मैं बैठा हूँ यहाँ पर। क्या बात है। बस वो पहली बार ब्लड डोनेशन करा, उसे उठ के उस इमीडिएट में बाकी फोटो खींचने लग गया, मुझे परसेंट भी लगा कि मैंने ब्लड दिया। अच्छा, फिर उसके बाद मैं पलट के देखा, जब रिक्वायरमेंट हुई किसी ने मुझे बोला कि आप ब्लड डोनेट करते, मैं करता हूँ, बोला आपके ग्रुप क्या, मैं नेगेटिव पॉजिटिव। जहाँ जहाँ से रिक्वायरमेंट आई, मुझे नहीं मालूम उन्होंने कहाँ कहाँ दिया, किस किस लोगों को दिया, वो लोग कौन थे, कि उनसे मैंने कभी मिलने की जरूरत नहीं समझी। मेरा एक था कि मैं उनको ब्लड दूं, उनको मेरे ब्लड से अगर जीवन मिलता है, इससे बड़ी मेरी खुशी की बात क्या होगी। बिल्कुल, वो शायद यही मेरी मतलब इतनी उम्र कर आ गए कि मैं आज तक निरोग हूँ, मुझे आज तक कोई रोग नहीं लगा, ना ब्लड प्रेशर, ना शुगर, ना हार्ट, एनी किसी भी तरह की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात। तो मैं तो सभी से कहता हूँ आप जितना ब्लड देंगे उतने आप निरोग रहेंगे। जैसे एक पानी का मैं उदाहरण देता हूँ कि घर में पानी का मटका अपन हर 2-3 दिन में खाली कर देते हैं ताकि हमें साफ सुथरा पानी पीने के लिए मिले। ऐसे शरीर में पड़ो ये ब्लड है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन इसको आप देते हैं तो आपकी बॉडी फिल्टर होती रहेगी, किडनी आपकी सुरक्षित रहेंगी, आप भी सुरक्षित होंगे, ये ब्लड किसी के काम आएगा। क्योंकि ब्लड किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, नया इसका कोई पेड़ होता है, ये अपने शरीर से बनना है और अपन इसको जितना देंगे उतना अपने शरीर को फायदा होगा। बिल्कुल। आपको अभी तक कभी ब्लड डोनेशन के बाद कोई प्रॉब्लम हुई हो या आपको कभी ऐसा लगा हो, ऐसा कभी कुछ हुआ है? ना सर, आज तक मेरे कुछ भी ऐसा महसूस कोई ऐसी कभी, और देता मुझे खुशी होती है। 3 महीने निकलते हैं तो उसके बाद मेरे को नशा सा चढ़ता है कि 3 महीने हो गए कोई मेरे पास मैसेज नहीं आया, इत्तेफाक से मैसेज आता मैं जाके दे के आ जाता हूँ। बिल्कुल। मेरे घर वालों को बहुत लंबे टाइम बाद मालूम पड़ा कि मैं ब्लड डोनेट करता हूँ। अच्छा। मुझसे कई बार नाराज हुई, बोला आप मत दिया करो, आपके परिवार में छोटे बच्चे में कुछ नहीं होगा, जिसके सिर पर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे। मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं कि आप अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो जनरली जो है कि 3 महीने बाद आप दोबारा से कर सकते जी जी। हैं। 3 महीने में वापस आपकी बॉडी कैपेबल हो जाती है कि आप ब्लड डोनेट करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप 3-4 महीने का से ज्यादा का गैप कभी रहा ही नहीं होगा। नहीं रहा, साल में 3 बार भी दिया, कई बार 4 बार भी दिया मैंने। अच्छा, तो अगर कैलकुलेशन करें हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन नहीं, एक नॉर्मली कैलकुलेशन लेके चले कि 47 साल में मैंने कम से कम 140 बार तो ब्लड डोनेट हो ही गया। क्या बात है। मैंने भी अभी तक 7-8 बार ब्लड डोनेट करा है
और अभी जो हमारा कैंप है उसमें मैं सबसे पहले खुद में ही ब्लड डोनेट करने वाला हूँ, और वो जो एक खुशी मिलती है ब्लड डोनेशन के बाद, हमें नहीं पता कि वो किसकी जान बचाएगा, हमें नहीं पता कि किसकी मदद हम कर रहे हैं, लेकिन एक संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है कि हमारे कारण किसी की तो जिंदगी बचने वाली है। कोई ऐसी घटना आपके साथ कुछ हुई हो या जो आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए? मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसी बहुत घटनाएं होंगी, तो कोई एक या दो घटनाएं आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। एक तो अभी लेटेस्ट ही था, जब पहला लॉकडाउन भारत में लगा, लॉकडाउन में बिल्कुल कोरोना का, घर पे बैठा था, मेरे पास मैसेज आया कि एक ब्लड कैंसर का पेशेंट है, MI में एडमिट है, उसके लिए भी पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है। मैं उसके टाइम में उनको फ़ोन करा कि मैं आ रहा हूँ। मेरे घर वालों ने काफ़ी रोका मेरे को, घर में बच्चे हैं, आप नहीं जाओगे, आप देख लिए परिवार है पूरा। मेरे बेटे ने मेरी से चाबी छीन ली कि मैं आपको नहीं जान दूंगा। अच्छा। मैंने भाई मेरी वहाँ जरूरत है, मैं वहाँ जाऊँगा, वो मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जैसे जा रहा हूँ वैसे ही मैं रिटर्न आऊँगा। जब लॉकडाउन था, परमिशन नहीं थी बाहर जाने की, जी उस समय की बात है, तो टावर चौराहे में मुझे रोका भी गया, फिर उनको मैंने बताया ये प्रॉब्लम है कि किसी पेशेंट के लिए मैं जा रहा हूँ ब्लड देने के लिए। उन लोगों ने मुझे रास्ता दिया, अच्छा। सरकारी डिपार्टमेंट के जो बंदे थे कि बल आप ऐसे नहीं, इस तरह से निकलेंगे तो आप सीधे एम्बर पहुँच जाएंगे, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वहाँ जो टेक्नीशियन थे उनको भी ताज्जुब हुआ, बोला हमें उम्मीद ही थी कोई आएगा, मैंने कहा नहीं सर, मैसेज मिला मुझे, ईश्वर ने रास्ता बताया और मैं यहाँ तक आ गया देने के लिए। या उसके अलावा एक 15 के बच्चे के लिए मैं एक बार ब्लड देने गया था, बहुत गरीब परिवार के थे, शायद मेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा मतलब सुकून भरा दिन है, मैं जितनी बार भी देकर के आया, वो इतने गरीब तबके के लोग होते थे कि मैं उनको देख के, जो अटेंडेंस रहते थे उनको देख के समझ जाता कितने मतलब ये परेशान होंगे ब्लड के लिए। बिल्कुल, यूँ शिविर लगते हैं, नेतागिरी तो सब करते हैं, लेकिन जरूरत पर कोई देने के लिए नहीं आता है। पूछो बोले यार अभी हमारा टाइम नहीं हुआ, लेकिन वो उसी वक्त देने जाएंगे जहाँ उनका कोई नाम होगा, पेपरबाजी होगी, नेता लोग वाहवाही करेंगे, वहाँ देके आते हैं। मैंने आज तक ऐसा नहीं सोचा। क्या बात है। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि कोई आपसे आपको ऑफर करे कि आप इतना पैसा ले लीजिए, क्योंकि जनरली कई लोगों को पता चल जाता है, या जब किसी को ब्लड नहीं मिल पाता है और जब आप मदद के लिए पहुंचे हो तो सामने वाले ने कहा कि आपका धन्यवाद और हम आपकी मदद करना चाहते हैं, ऐसा भी कभी हुआ होगा? हुआ है, तो उनको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारे ब्लड को आप अपमानित मत करो, हमारा फर्ज है सेवा करना, हम सेवा कर रहे हैं और हम हमेशा सेवा करते रहेंगे, बस इस चीज़ को आप मत दीजिए। आपने जो हमको देना किसी मंदिर में अपने परिवार की मतलब सुख शांति के लिए, आप वहाँ दे दीजिए, हमारे को मत दीजिए इस चीज़ को। क्या बात? हमें बस आपका प्यार चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, हम तंदुरुस्त रहेंगे, हम इससे सेवा करते रहेंगे। बिल्कुल, वैसे शायद 65 ईयर्स गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि 65 साल के बाद रक्तदान नहीं कर सकते, लेकिन आप स्वस्थ हैं और अभी भी कर रहे हैं। अभी दे रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ जिस चीज़ के लिए आप जाने जाते हैं, और मैंने आज जो वीडियो वंदे मातरम कह के शुरू किया है, तो आपकी पहचान वंदे मातरम के साथ है। आप किसी से भी मिलते हैं तो हमेशा वंदे मातरम कहते हैं और लोग आपको वंदे मातरम के नाम से ही जानते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, इस पर मेरी कोई बात भी नहीं हुई आपसे। मैं सर स्टूडेंट लाइफ में NCC में था। अच्छा। और मेरी काफ़ी तमन्ना रहती थी मैं आर्मी के अंदर जाऊँ, पर मेरे वजन हमेशा मुझे पीछे कर देता था। अच्छा। जब जब भी गया मैं आर्मी के लिए फॉर्म भरने के लिए, मेरा वेट होता था, मैं अनफिट करते बोले नहीं आपका 50 किलो वजन नहीं है, सिख रेजिमेंट में कम से कम 50 किलो वेट चाहिए। कई बार कोशिश करी, कई बार एक एक दर्जन केले खा लिए तो भी एक आध किलो से ज़्यादा वजन नहीं बढ़ा। अच्छा। बस नींद और उम्र भी निकलती चली गई, फिर अपने सांसारिक जीवन में आ गए, शादी हो गई, फिर तब से सोचा कि आप देश सेवा तो नहीं कर पाए, एक अपन ब्लड डोनर है तो एक सेवा यही करो कि अपने जबान से जब भी निकले वंदे मातरम। वंदे मातरम, ये भारत में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, हर बंदे को वंदे मातरम बोलना चाहिए। मेरे कालर पे हमेशा भी रिंगटोन भी वंदे मातरम है। मैं जब भी शर्ट चेंज करता हूँ सबसे पहले फ्लैग उतार के अपनी दूसरी शर्ट के कालर पे लगाता हूँ, उसके बाद उस शर्ट को पहनता हूँ। क्या बात है। और ये मेरी तमन्ना मरते दम तक मेरे मुंह से वंदे मातरम निकले। कोई मैसेज आप सब लोगों को देना चाहें, सब लोग इस वीडियो को देखेंगे तो जो लोग डरते हैं ब्लड डोनेशन को लेकर, या थोड़ा उन्हें लगता है कि पता नहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, तो कोई मैसेज आप सारे स्टूडेंट्स और सभी लोगों को देना चाहें? सर एक तो पहले मिथ्या भ्रम मन से निकाल दें कि ब्लड देंगे तो हमें कमजोरी हो जाएगी, हमको ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। एक मन का ये डर है, मन के हारे हारे मन के जीते जीत, इस डर को मन से निकाल दोगे आप कभी हार नहीं खाओगे। आपकी पढ़ाई में आप लोग फेल होते हो लेकिन हिम्मत नहीं हारते हो, फिर पढ़ाई करते हो ना, ऐसे ये भी एक तुम्हारी जिंदगी की पढ़ाई है, इसको आप दीजिए, इस इम्तिहान में हमेशा पास होते रहेंगे। पर डरना नहीं है, ब्लड डोनेट करना है, रक्तदान सबसे बड़ा दान है,
आप करोड़ों रुपए दान कर दो, वही महत्व नहीं है। इस एक बंदे को आपने एक यूनिट ब्लड दे दिया ना, तो समझ लो कि आपका वो ब्लड तीन जनों को जाकर काम करेगा, तीन जनों को जीवन मिलेगा। बिल्कुल, इसीलिए बस यही मेरा महादान। जी बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी। और मैं एक छोटी सी चीज आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम भी समाज के प्रति कई सारे कदम उठा रहे हैं, और इसीलिए हमने 11 जून को विनर्स इंस्टीट्यूट के ही कैंपस में ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, जिसमें विनर्स इंस्टीट्यूट के सारे विद्यार्थी, सारे टीचर्स और सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन ये इंदौर शहर में हो रहा है, कोई भी इसमें आ सकता है, तो वो इंदौर शहर का है, आसपास का है। कई सारे हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे बताया कि सर मैं 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर दूर से केवल उस दिन ब्लड डोनेशन के लिए मैं आऊंगा। बहुत बड़ी बात। तो बहुत अच्छे लोग हैं जो इस बात को समझते हैं, और कई सारे स्टूडेंट हमारे दूर से भी आ रहे हैं। तो अगर आप इंदौर शहर में हैं या आप आसपास हैं, और अगर आपके मन में इच्छा है लोगों की मदद करने की, और ब्लड डोनेशन के बाद का जो वो एक सुकून का पल है उसे महसूस करने की, तो मैं आपसे सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग 11 जून को विनर्स इंस्टीट्यूट के विष्णुपुरी आई बस स्टॉप के पास में हमारा सेंटर है, यहां पे हमने एक बहुत बड़ा रक्तदान का शिविर रखा है, इसमें आप आइए। आपके आसपास भी जितने लोग हैं उन्हें भी आप बता सकते हैं, कोई भी आ सकता है। और हर प्रकार से पूरी चीज़ें हमने यहाँ पर रखी है, डॉक्टर्स उपलब्ध रहेंगे जो चेक करेंगे कि आपके अंदर प्रॉपर हीमोग्लोबिन है। पहले टेस्ट होगा कि आप वास्तव में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। हर प्रकार से मेडिकली आप फिट होंगे तभी आपसे यहाँ पे ब्लड लिया जाएगा, तो वो भी टेस्ट आपका हो जाएगा। डॉक्टरों की निगरानी में आप रहेंगे, ब्रेकफास्ट का, ड्रिंक का, सब चीज़ों की हमने यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था करके रखी है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि 11 जून को 10 बजे से 3 बजे के बीच में आप ज़रूर पधारिए विनर्स इंस्टीट्यूट में, और यहाँ पे रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, और हमें एक रिकॉर्ड इसमें बनाना है। तो आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा ज़रूर पधारिए। और भूपेंद्र जी का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपने समय दिया, और जो समाज के लिए आप कर रहे हैं ये करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रक्त सभी के पास है, दिल सभी के पास है, लेकिन करने की जो करने की भावना है, लोगों के प्रति सेवा करने का जो भाव है, ये हर किसी में नहीं होता। और मुझे भी आज आपसे सीखने को मिला है कि कितना कुछ लोगों के लिए किया जा सकता है। तो मैं सभी की तरफ से आपको बहुत सारा धन्यवाद बोलता हूँ, और आप इसी प्रकार आगे सेवा करते रहें, हम सब पे आशीर्वाद बना रहे आपका, और ऐसे ही आप हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय।